वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों, जो साइंस और जनरल अवेयर से लिए गए हैं, जो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे दोस्तों आप आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, वीडियो या दोस्तों यूपी पुलिस या अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे दोस्तों, तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न बार बार देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे दोस्तों, और आप कमेंट करके भी दोस्तों बताएंगे इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो दिया है ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन सी दोस्तों गर्म करने पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, पाचन है भोजन को, ठीक है, आगे आपको बताना है कि पाचन कैसी क्रिया है। तो इसका दोस्तों चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। पाचन कैसा है, भोजन को क्या करती है, जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहां ताड़ का वृक्ष दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। तारपीन का तेल दोस्तों चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, किससे, चीड़ के, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंसर भी याद रखेंगे चीड़, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, भी प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो पालक में क्या मिलता है दोस्तों, आप बताइए, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयरन। पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयरन की मात्रा होता है, इसलिए पालक भी खाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। तो आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे, भौतिक शास्त्री थे, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसे आप जरूर याद रखेंगे, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है दोस्तों? अमीटर से किया जाता है। अमीटर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसे भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये सब प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, जो जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जीते, जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, इनका नाम भी दोस्तों याद रखेंगे। और ये प्रश्न क्या है दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारों बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न का आंसर जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, ठीक है, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। ये नहीं, अर्जुन पुरस्कार धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, इसका आंसर ये नहीं होगा, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या होता है, पीवीसी होता है ना, पीवीसी का मतलब क्या, परमवीर चक्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या होता है, परमवीर चक्र, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भी पूछा
गया प्रश्न है, आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, तो यह भी सही है। जो मालगाड़ी जो होती है ना दोस्तों उससे कमाई का क्या होता है मुख्य स्रोत, ज्यादा इनकम होती है रेलवे को, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो दोस्तों उनका नाम क्या है, शाहजहां। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया, लाल किला दो जगह है, दिल्ली में भी आगरा में भी, आगरा का दोस्तों लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया, ठीक है। और यह प्रश्न क्या कह रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया, आगरा का किसने बनवाया, तो अकबर। अ से आगरा होता है ना, अ से आगरा, अ से अकबर, ठीक है, यह चीज याद रखेंगे, और दिल्ली का याद रखेंगे शाहजहां ने, ठीक है। यह प्रश्न दोनों बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, दोनों प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का आंसर बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, सबसे बड़ा क्या, चाय उत्पादक है। तो आप चारों ऑप्शनों को रीड करेंगे तो आप दोस्तों पहले देखते हैं असम और तुरंत ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते हैं, लेकिन यहां पे हो जाता है ये क्या, गलत। क्यों गलत हो जाता है, प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह यानी राज्यों का जो समूह है सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल असम कर्नाटक। ये नहीं कह रहा है प्रश्न कि सबसे ज्यादा एक राज्य के बारे में पूछता है तो असम आप मारते हैं, ठीक है, असम को आंसर सही मानते हैं, सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, राज्य समूहों में से सबसे बड़ा चाय उत्पादक बताना है, तीन राज्य कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, कर्नाटक भी है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी में तो असम तो दिया है और बिहार झारखंड ये चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, कर्नाटक भी है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये प्रश्न आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है, या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, या ऑप्शन नंबर तब सी सही हो जाएगा, प्रतिभूतियां जारी करके। प्रश्न क्या कह रहा है, पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है, या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या प्रतिभूतियां जारी करके, इसे भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कपास उगाने के लिए दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो आप इसे याद कैसे रखेंगे, कपास और कैसे काली मिट्टी, ठीक है, बस इतना थोड़ा सा दोस्तों एक दूसरे से रिलेट करके याद रखेंगे ना, तो इन सब प्रश्नों का आंसर आपको ज्यादा टाइम तक याद रखेंगे और पेपर में भी आपको दिखेगा तो तुरंत आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो याद रखने का तरीका है कैसे कपास और कैसे काली मिट्टी, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है, संपत्ति कर है, भवन कर है, भूमि कर है, वाहन कर है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, चारों ऑप्शनों को जब अच्छे से जब पढ़ेंगे तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संपत्ति कर ग्राम पंचायत के आय का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी पूछा गया प्रश्न है, वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए
चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के लिए चुनाव, सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 18 वर्ष नहीं, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर। ठीक है, 21 वर्ष या इससे ऊपर ग्राम पंचायत की सदस्यता का चुनाव लड़ने के लिए आयु होना चाहिए। अब दोस्तों इससे तीन चार और प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? प्रश्न बनता है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए कितनी वर्ष आयु है? ठीक है, लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष। एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, विधानसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु पूछ रहे। ठीक है, कि विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उसके लिए भी 25 वर्ष है, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष है। और एक और प्रश्न बनता है, जो चौथा प्रश्न बनता है वो क्या होता है, राज्यसभा के लिए दोस्तों पूछा जाता है, राज्यसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे, इससे एक दो प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों राजा भोज का नाम तो आपको पता ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। राजा भोज जो थे वो परमार राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? क्या प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को भड़की थी, 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था, किस दिन किया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948। कौन सा दिन था? 30 जनवरी सन 1948, इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इस पर इस प्रश्न को ज्यादा से ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपके आज के बाद गलत नहीं करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है, कहा गया है? ठीक है, कहा जाता है या कहा गया है? ठीक है, लोकनायक किसे कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या मार देते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दूं, लोकमान्य प्रश्न पूछे, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। और लोकनायक किसे कहा गया है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। तो लोकनायक के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर जो लोकमान्य तिलक पूछते हैं दोस्तों, लोकमान्य तिलक भी एक बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो लोकमान्य पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी देता हूं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उसकी वहां पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो टेलीग्राम दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और यह बहुत बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या कह रहे हैं, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां है? तो दोस्तों आपको पता होगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, कहां है दोस्तों बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा है। आप इस प्रश्न को दोस्तों याद रखेंगे और यह प्रश्न क्या है दोस्तों, यह प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यह बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। 23वां प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है तो किसकी दोस्तों पवित्र ग्रंथ है जातक, किसकी है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बौद्धों के। जातक पवित्र ग्रंथ किसकी है? बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है जातक, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कह रहे हैं, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? प्रश्न क्या कह रहे हैं, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। 25वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू
जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधान से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीट कर